हाय, मैं हूँ स्मिता एंड वेलकम टू माय चैनल अर्बन लेडी एंड वेलकम टू द लास्ट एपिसोड फ्रॉम द सूरत सीरीज, जिसमें आप देखेंगे बर्मा की फिरंगी डिश में सूरत का देसी तड़का। क्यों रात को बीच हाईवे पर बैठकर मैंने खाया राजा रानी पराठा, और गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में किस ड्रिंक ने दिया टकीला शॉट से भी ज्यादा मजा, ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अब जो हम अगली जगह जा रहे हैं उसे ढूंढने में तो काफी ज्यादा वक्त लग गया, लेकिन जो डिश मैंने ट्राई की वो सचमुच थी वर्थ इट। अब ट्राई करते हैं एक ऐसी डिश जो आपको सिर्फ सूरत में ही मिलेगी, और वो है खौसा। एक्चुअली ये बर्मिस डिश है खौसे, जिसे यहाँ सूरत के लोगों ने एक अच्छा गुजराती टच दे दिया है। इसमें नूडल्स डाला गया था, फिर कोकोनट मिल्क डाला गया है। तो इसमें सूरती टच ये है कि इसमें उन्होंने अपने मसाले डाले हैं और ऊपर ये पापड़ी भी क्रश करके डाली है। तो ट्राई करते हैं गर्मा गर्म खौसा। मैंने चिकन खौसा मंगवाया था, टेस्ट करके देखते हैं। गॉड, ये इतना टेस्टी है। इसमें जो कोकोनट मिल्क इन्होंने डाला है और जो सूरती मसाले डाले हैं, ये जो फ्यूजन बनाया है इन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग है और सुपर टेस्टी भी है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको खौसा मिलता है, मतलब छोटे छोटे स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे, रेडियो पे बेचते हैं, पर मैं यहाँ पर लिज्जत खौसा सेंटर आई हूँ जो कि बहुत फेमस है। इनका जो एक्चुअल दुकान है वो मेन रोड पर है, लेकिन रमज़ान के टाइम पे ये लोग अपना जो स्टॉल है शिफ्ट कर देते हैं इस जगह पर। एक महीने तक यहाँ पे रहेंगे, फिर वापस वो अपने ओरिजिनल शॉप पे चले जाएंगे। आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पर आई और इस डिश को ट्राई करने का मौका मिला। इट्स सुपर डिलिशियस, मस्ट ट्राई। इसके बाद मैं जो जगह गई उसके बारे में मैं बिल्कुल क्लूलेस थी। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या टेस्ट करने वाली हूँ। तो मैं इस वक्त हूँ कुदरती कहुम्बो कैफे में, और ये जो जगह है ये हमको सूरत के दो लोकल्स ने सजेस्ट की थी, कल्पेश और प्रितेश ने। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आओ और इनके जामुन शॉट ज़रूर ट्राई करो। तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये शॉट ग्लासेस में ये लोग देते हैं, इसके आसपास आपको ऐसे सॉल्ट लगा के देंगे, तो जिस तरह से शॉट पिया जाता है वैसे मैं इसे पीऊँगी। तो चीयर्स। ये शॉट लेते ही कैफे में लाउड म्यूजिक शुरू हो गया, इसलिए मैं अपना रिव्यू तो नहीं दे पाई, लेकिन आई थिंक मेरे रिएक्शंस काफी हैं ये बताने के लिए कि मुझे ये जामुन शॉट्स कितने पसंद आए। आप सूरत में और कुछ ट्राई करें ना करें, लेकिन ये जामुन शॉट जरूर ट्राई करना। रात होते ही सूरत का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है। सड़कों पर लाइन से आपको दिखेंगे फूड स्टॉल्स और दिखेंगी फैमिलीज पूरी बच्चा पार्टी समेत। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सूरत के वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड के बीच में बैठी हूँ चटाई लगाकर, और यहाँ पर बैठकर मैं खाना खाने वाली हूँ। और मैं अकेली ऐसा नहीं कर रही, आप जैसे देख रहे हैं कि लाइन में सारी फैमिलीज बैठी है चटाई लगाकर, बड़े आराम से खा रही है। तो अगर हम सूरत में हैं तो सूरती तरीके से खाया जाए ना। मैं अभी आई हूँ साई सागर पराठा। आपने देखा गर्मा गर्म पराठे बनते हुए, मैंने ऑर्डर किया है राजा रानी पराठा। तो ये आ गया है, ढेर सारा चीज़ डाला है इसमें, और साथ में ही देते हैं कर्ड, टमेटो केचप और कोरिएंडर चटनी, और बीच में मेयो भी है। तो ट्राई करते हैं द फेमस राजा रानी पराठा। मतलब पिज्ज़ा की तरह इन्होंने बनाया है इसको, मेयो के साथ ही डिप करते हैं अच्छे से। पिज्जा जैसे ही लग रहा है मुझे, ऑब्वियसली चीज का जो टेस्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट है, बट आलू का भी टेस्ट है इसमें, आई थिंक तंदूरी सॉस कुछ डाला है इसमें, और इस मसालेदार बहुत ही क्रिस्पी पराठा है, अच्छा है ये, नाइस। चीज थोड़ा कम डालते तो अच्छा लगता, तो पराठा का टेस्ट और उभर कर आता, बट एनीवेज नॉट बैड। इस तरह से बीच रोड पर बैठने की बात ही कुछ और है, मतलब मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मज़ा आ रहा है इस तरह से।
सूरत में मेरा आखिरी दिन था। दोपहर की ट्रेन थी, लेकिन जाने से पहले एक कसर थी जो पूरी करनी बाकी थी। सूरत में आज मेरा लास्ट डे है और सूरत आए और गुजराती थाली नहीं खाए तो कुछ अधूरा सा लगता है, राइट? तो इसीलिए मैं आई हूँ पुरोहित थाली, जो कि सूरत रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास है। मेरी एक्चुअली ट्रेन है शाम की, तो मुझे जाने से पहले एक बार गुजराती थाली खानी थी। तो मैंने गूगल पर ऐसे सर्च किया कि ना कहीं पर गुजराती थाली अच्छी मिलती हो, तो गूगल ने सजेस्ट किया पुरोहित थाली। तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, एकदम इम्प्रॉम्प्टू बनाया प्लान। आ गई हूँ मैं यहाँ पर खाने के लिए थाली, अब देखते हैं कैसा है। तो ये एकदम बेसिक सी थाली है, कुछ फैंसी आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। ये आई डोंट नो, ये कोई भजिया है शायद, ये दाल है, ये भिंडी की सब्जी है, ये मटर पनीर है, ये आलू की सब्जी है, और ये आई थिंक मेथी की सब्जी है, पापड़, गुलाब जामुन और छाछ, दैट्स इट। तो ये बेसिक सी थाली है, तो मैं खाती हूँ इसको। सूरत के सफर की शुरुआत तो बड़े ठाट से तेजस एक्सप्रेस में किया था, लेकिन वापसी में मैंने एक आम आदमी की तरह 3 टियर कोच से किया, लेकिन मजा बहुत आया। अगर आपको मेरा ये सूरत सीरीज पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल अर्बन लेडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तब तक के लिए घूमो, खाओ, मुस्कुराओ। बाय।